खरगोन के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर आज सकल हिंदू समाज द्वारा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए अपने उद्बोधन में हिंदू को हिंसक बताने पर पोस्ट ऑफिस चौराहे पर सकल हिंदू समाज और अन्य हिंदूवादी संगठनों और महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतले पर चप्पलें बरसाते हुए उनके फोटो पर भी जूते से चलते हुए विरोध दर्ज कराते हुए पुतला फूंका। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से हटाने के साथ ही संसद की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। देखिए, भारत में 140 करोड़ जनता में 100 करोड़ हिंदू जनमानस है और हिंदू जनमानस सदैव वसुदेव कुटुंबकम और सहना भवतु का द्योतक रहा है और उस हिंदू समाज को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत यदि इस देश का नेता प्रतिपक्ष हिंसक कहेगा तो निश्चित हिंदू समाज में अपनी अंतरात्मा की आवाज उठेगी और उसी अंतरात्मा की आवाज पर आज हिंदू समाज खरगोन में राहुल गांधी का पुतला दहन इसलिए कर रहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं है बल्कि हिंदू समाज के लिए कलंक है, जिस कलंक ने हिंदू समाज को हिंसक कहा और ऐसा हिंदू समाज के साथ में खिलवाड़ करने वाला नेता प्रतिपक्ष नहीं रह सकता है। इसलिए हम राष्ट्रपति जी से कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष पद से हटा करके हिंदू समाज के अपमान के विरुद्ध इसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई होना चाहिए और इसीलिए सभी हिंदुओं ने उनके पुतले पर जूतों से भी प्रहार किया, उनके पुतलों के विरुद्ध गालियां भी दी और उनके पुतले के विरुद्ध जो है ठोस प्रदर्शन किया ताकि हिंदू समाज अपनी भावनाओं को राष्ट्रपति जी तक प्रदर्शित कर सके और इन्हें संसद के सत्रों से बाहर करके इनकी संसद सदस्य निरस्त हो। भारत माता की जय। भारत माता की। मेरा नाम राजेंद्र परसाई, परशुराम कल्याण बोर्ड सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, खरगोन से अब्राय पठान की रिपोर्ट।